हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत ऊर्जा और उसके साथ साथ विद्युत शक्ति क्या होती है। ठीक है, इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से आप लोग पहले से ही परिचित हैं, क्लास टेंथ में भी ये चीज आप पढ़कर आए हैं, विद्युत ऊर्जा क्या होती है और इसके साथ साथ विद्युत शक्ति क्या होती है। ठीक है, फार्मूले वही है जो आप क्लास टेंथ में पढ़कर आए हो, बस वहां आप फार्मूला पढ़कर आए हो, यहाँ पे उसको डिराइव करोगे, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो ये जो विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति का टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन छोटा सा, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो टॉपिक है छोटा पर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी चीजें तुरंत की तुरंत समझ में आ जाएगी। चलिए तो बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। ठीक है, लेकिन उससे पहले बेटा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से सभी लोग क्लियर कर दो कि वॉइस और स्क्रीन क्लियर है, और साथ ही साथ इस सेशन को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सकें। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें हम विद्युत शक्ति की। ठीक है, सॉरी, विद्युत ऊर्जा। तो अगर हम बात करें बच्चों विद्युत ऊर्जा की, कि विद्युत ऊर्जा होती क्या चीज है। ठीक, तो आप लोगों ने देखा, अगर हम किसी भी तार में, ठीक है, अगर हम किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। ठीक, और सबसे सरल एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आप तो एलईडी बल्ब आ गया, या किसी भी बल्ब की बात कर लो, अगर आपका बल्ब जल रहा है उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद अगर आप बल्ब को टच करोगे तो बल्ब हमारा क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है यानी कि हीट जो है, हीट हो जाता है, और यही जो हीट है ये कहां से आ रही है, धारा के प्रवाहित होने से। तो किसी भी चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण वो तार क्या होता है, गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जूल ऊष्मा कहते हैं। इसी उत्पन्न ऊष्मा को ही हम क्या कहते हैं, जो हीट है उसी हीट को, जो बल्ब हमारा गर्म हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, जूल ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो ये इतनी बात समझ में आई, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, अच्छा बाद में नोट करिए, पहले थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई चालक तार है। ठीक है, इस चालक तार में मान लीजिए हम यहां पर इस प्रकार से जो है बल्ब को ऐड कर लिया हमने। ठीक है, ये हमने क्या किया, कोई बल्ब लगा लिया। ठीक, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा। तो जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने के कारण ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, अर्थात कि अगर हम इसे टच करेंगे तो ये हीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और यही जो हीट है, ठीक है, इसी उत्पन्न हीट को हम क्या कहते हैं, जूल ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ठीक, ये तो बात हो गई जूल ऊष्मा की और जूल ऊष्मीय प्रभाव की। अच्छा, सपोज करो इस चालक तार में, इस चालक तार में, ठीक है, जिसके सिरों के बीच हमने कितना विभवांतर लगाया है, मान लीजिए इसके सिरों के बीच हमने जो है यहां से यहां तक, इसको अगर हम मान लीजिए हम किसी बैटरी से कनेक्ट करें, तो इसके सिरों के बीच मान लीजिए हमने कितना विभवांतर लगाया, वी विभवांतर लगाया। कितना विभवांतर लगाया बच्चों, वी विभवांतर। ठीक है, अब सपोज करो कि स्मॉल टाइम में, डी टी समय में, ठीक है, कितने समय में, माना किसी चालक तार के सिरों के बीच, किसी चालक तार के सिरों के बीच, सिरों के बीच वी विभवांतर लगाया जाता है। कितना, वी विभवांतर लगाया जाता है। ठीक, लगाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे मान लो ये हमारा चालक तार है, इस चालक तार के सिरों के बीच हमने कितना विभवांतर लगाया, वी विभवांतर। अब जो ये विभवांतर लगाया गया है, तो इसमें हमने क्या देखा कि सूक्ष्म समयांतराल, यानी कि सूक्ष्म छोटे से समय,
डीटी में इस चालक तार में जो प्रवाहित आवेश है वो कितना है? डीक्यू। प्रवाहित आवेश कितना है? डीक्यू। ठीक, लगाया गया विभवांतर, ठीक है, के बीच बी विभवांतर लगाया गया हो तथा डीटी समय में चालक में प्रवाहित आवेश जो है बेटा वो कितना है? सूक्ष्म समय है तो आवेश भी सूक्ष्म ही होगा, dq हो, तब ठीक, तब dt समय, इस समय में, ठीक है, इस समय में जो ये विभवांतर हमने लगाया है बैटरी वाला, इस बैटरी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तब dt समय में बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? अब सूक्ष्म समय है तो कार्य भी सूक्ष्म होगा, dw बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू डी क्यू। ठीक है, आगे बात समझ में, यहां तक बात समझ में आई? चलो एक बार फिर से देखो, रिपीट कर रहे हैं, क्या है कि जैसे माना ये हमारा क्या है? कोई चालक तार है। ये हमारा क्या? कोई चालक तार है। हमने माना कि इस चालक तार के सिरों के बीच हमने एक बी विभवांतर की एक बैटरी लगाई। क्या लगाई? इस चालक तार के सिरों के बीच हमने क्या किया? एक बैटरी लगाई। तो जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी, और धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? आवेशों के प्रवाह के कारण। तो हम मान, सिंपल सी बात है ना, अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि छोटे से समय सूक्ष्म समय dt में इस चालक तार में जो प्रवाहित आवेश है वो कितना है? dq है। कितना है? सूक्ष्म समय में सूक्ष्म आवेश dq प्रवाहित होता है। तब इस बैटरी के द्वारा किया गया कार्य w बराबर क्या होता? v यानी कि विभवांतर और गुणे प्रवाहित आवेश। तो ये रहा b और ये रहा आपका प्रवाहित आवेश। ठीक है, तो किया गया कार्य निकल के आ गया कितना? dw = v × dq। ये बन गया बेटा हमारा समीकरण नंबर एक। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर एक। अच्छा, अब यहां पे देखो कॉर्नर पे जरा, अब इसके आगे देखो, यदि हम माने, ठीक है, चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही? आई। यदि तार में प्रवाहित धारा आई हो, यदि तार में प्रवाहित धारा आई हो, कितनी हो? आई हो, तब आई बराबर क्या हो जाएगा? dq/dt, यानी आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो यहां से dq बराबर क्या हो जाएगा? i × dt। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दो। अब समीकरण नंबर एक और दो से, यानी कि समीकरण नंबर दो से dq का मान उठा के समीकरण नंबर एक में रख दो। ठीक है, चलो रख दो। समीकरण दो से dq का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक, तो अगर हम एक में मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा dw = v, और dq की जगह हम क्या लिखेंगे? i dt। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर तीन। क्या बन गया? समीकरण नंबर तीन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं था समीकरण नंबर एक तक। दूसरे में हमने क्या किया? अगर चालक तार में प्रवाहित धारा आई है तो विद्युत धारा की परिभाषा अगर हम अप्लाई करें तो क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश और बटे में समय। आवेश आपका कितना है? dq। समय कितना है? dt। ठीक है, तो dq/dt यही जो है, dq/dt है, यही तो चालक में प्रवाहित धारा बनेगी। तो धारा i बराबर क्या हो जाएगा? dq/dt। तो यहां से हमने क्या किया? dq का मान निकाल लिया, और dq का मान निकाल कर यहां पे समीकरण नंबर एक में बेटा रख दिया गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? बोलो, यहां तक बात सभी को क्लियर है? क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि चालक में
टी समय में प्रवाहित नियत धारा आई हो तब बैटरी के द्वारा कुल किया गया कार्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी तो ये सूक्ष्म धारा, ठीक है, सूक्ष्म आवेश के कारण था और समयांतराल हमारा कितना था, dt समय के लिए प्रवाहित आवेश कितना था, dq। अब हमने क्या किया, dq की जगह मतलब dt की जगह कितना टाइम ले लिया, पूरा का पूरा t टाइम ले लिया, तो w बराबर क्या हो जाएगा हमारा, w बराबर हो जाएगा समेशन dw, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन vi dt। ठीक है, अब dt का समेशन अगर हम करेंगे, dt टोटल कितना हो जाएगा, vit। ठीक है, तो w बराबर क्या हो जाएगा, vi, ठीक है, और ये t, vit, w बराबर क्या हो जाएगा, vit। ठीक है, ये समीकरण नंबर बन गया 4। ठीक, सिंपल बात समझ में आई, बोलो। यदि चालक ने t समय में नियत धारा कैपिटल आई हो तब कुल किया गया बैटरी के द्वारा कुल किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे कार्यों का हम क्या करेंगे, समेशन कर लेंगे, जोड़ लेंगे सबको, ये छोटे कार्यों का हमने समेशन किया, dW का मान रखा गया समीकरण नंबर 3 से, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, dW बराबर क्या है, vi into dt। तो dt अगर हम जोड़ेंगे तो पूरा हमें क्या मिलेगा, पूरा क्या मिलेगा, समय के छोटे छोटे पार्टों को हम मिलेंगे जोड़ेंगे तो हमें पूरा टाइम मिल जाएगा ना, और पूरा टाइम हमारा कितना है, टी है, तो टी हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहीं पे ओम का नियम लगा दो, परंतु ओम के नियम से तो बेटा अगर हम ओम का नियम अप्लाई करें, v इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो यहां पे रख दो, तब w बराबर क्या हो जाएगा, आई आर और इंटू आई इंटू टी, यानी हमें क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर RT। ठीक है, I square RT। एक फिर यहीं पे ओम का नियम लगा दो, फिर एक और ओम का नियम लगाओ, तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर आपका हो जाएगा V upon R। तो अब इस बार ये मान रख दो, I का ये मान रख दो, W बराबर I की जगह V का रखोगे V square बटे R square। ठीक है, और ऊपर एक R है और इंटू टी, एक R से एक R कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, V square by R into T। तो देखा जाए W के हमारे पास कितने फार्मूले हैं बेटा, 3 आए। तो W बराबर क्या आ गया, एक तो V IT आ गया, एक I square RT आ गया, और एक V square बटे R into T आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या आ गया, किया गया कार्य, और यही किया गया कार्य जो है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, किया गया कार्य ही हमारा क्या है, हीट है, यानी कि जूल ऊष्मा है। ठीक है, इस प्रकार से जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो यही होगी। ठीक है, यही जो है उत्पन्न ऊष्मा है, यही उत्पन्न ऊष्मा है। ठीक है बेटा, क्लियर, आगे बात सबको समझ में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, देखिए जो भी बच्चे बेटा अभी तक, ठीक है, शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, वो आप बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि देखिए अब आपका जुलाई भी आ चुका है। ठीक है, जुलाई लगभग आपका जून बीत गया है, अब आपकी जुलाई आने वाली है, और जो भी बच्चे अभी तक की पढ़ाई अपनी स्टार्ट नहीं किए हैं वो जुलाई से जो है चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, पढ़ने में जुट जाएं। ठीक है, तो इसके लिए बेटा जो भी बच्चे देखिए कि अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किए हैं वो बैच का ज्वाइन कर लें, क्योंकि देखिए शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से बोर्ड एग्जाम में, यानी 2023 की बोर्ड परीक्षा में बच्चों ने मैक्सिमम अंक स्कोर किया, जैसा कि आप देख रहे हैं 97, 96 तक परसेंट तक बच्चों ने नंबर पाए हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप भी मैक्सिमम अंक पा सकते हैं। ठीक है, और इस बैच की प्राइस अगर देखी जाए तो अभी सिर्फ और सिर्फ, यानी कि मात्र जो है 1499 रुपये है। ठीक है, बाकी जगहों के नहीं कि 5000-6000 आपकी जो है प्राइस हो, और फिर जो है जब बच्चे, ठीक है, एफोर्ड ना कर पाए तो फिर जो है 50% या ऐसा वैसा, ठीक है, छूट ऊट दे के जो है प्राइस कम करने वाली है, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए नॉर्मल प्राइस ही आपकी हमने ऑलरेडी कम रखा है। ठीक है, नॉर्मल प्राइस भी हमने कम रखा है जो कि 1499 रुपये है। ठीक है,
और कहीं भी आप कंपेयर कर लीजिए, इतनी कम प्राइस आपकी नहीं है, इससे ज़्यादा ही है आपकी प्राइस, ठीक है। और देखिए इसके साथ साथ आपको वैच के अंदर मिलेगी लाइव क्लास, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, संडे टेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, ओके। और इसके लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए शुभम क्लासेस ऐप और डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर पेमेंट करने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो नीचे स्क्रीन पर देखो एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, बोलो। चलो एक बार पूरा फिर से शुरू से रिपीट कर देना और ध्यान से देखो, जो भी बच्चे नहीं समझे ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, हम अगर बात करें बेटा किसकी, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा होती क्या है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के कारण चालक तार हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म अगर हो रहा है तो सिंपल सी बात है, हीट उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, गर्म हो जाता है। और यही जो उत्पन्न हीट है, ठीक है, यानी जो जिसकी वजह से जो गर्म हो रहा है, गर्म होने की वजह से वो क्या उत्पन्न हो रहा है, हीट हो रहा है। और वही हीट हमारा क्या है, जूल उष्मा है। और ये पूरी घटना जो है, यानी कि जो पूरी प्रोसेस है, इस घटना को हम क्या कहेंगे, जूल उष्मीय प्रभाव कहेंगे। देखो सारी चीजें हमने एक आपको फिगर के माध्यम से बताया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए यही हमारा चालक तार है, इस चालक तार के सिरों के बीच हमने कितना एक विभवांतर लगाया, ठीक है, एक बैटरी लगाया जिसका विभवांतर कितना था, वी। और डीटी समय में, डीटी सूक्ष्म समय में अगर बैटरी लग गई तो सिंपल सी बात, इसमें धारा प्रवाहित होगी। और अगर धारा प्रवाहित होगी तो जब तक आवेश चलेंगे नहीं, धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो धारा प्रवाहित होने के लिए हमें क्या होगा, इसके अंदर आवेश प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि सूक्ष्म समय डीटी में इस चालक में जो प्रवाहित आवेश है वो कितना है, डी क्यू है। तब इस बैटरी के द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी इंटू डी क्यू, वी इंटू डी क्यू। और धारा की परिभाषा क्या कहती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी कि डी क्यू अपान डी टी जो है ये धारा I के बराबर होगी। तो वही चीज है, I बराबर डी क्यू अपान डी टी। तो यहां से हमने डी क्यू का मान उठा के इसके अंदर रख दिया, ठीक, इसके अंदर रख दिया। अब अगर हम माने कि डी टी समय के छोड़कर अगर हम ये देखें, डी टी समय में इतना कार्य हो रहा है, ठीक है, इतनी कार्य जो है बैटरी कर रही है, तो पूरे टी टाइम में बैटरी कितना कार्य करेगी, तो डी टी डी टी को जोड़ते चले जाओ, ठीक है। तो डी टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखो डी टी जो है आपका, यहाँ पे देखो जो आपका डी टी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, टी में। और यही जो है, ठीक है, यही हमारा क्या है, उत्पन्न ऊष्मा है। और इसमें देखो ओम का नियम हमने बारी बारी से अप्लाई किया, तो ओम के नियम अप्लाई करने से देखो एक ये नया फार्मूला है, एक ये नया फार्मूला है, और एक पहले से ही आया था, ठीक है। तो ये तीन जो है हमारे फार्मूले निकल कर आए, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अगर आप इसी को किलो कैलोरी में बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो किलो कैलोरी में बदलने के लिए इसमें जे से भाग कर दो, जहां जे क्या है, जहां जे यांत्रिक तुल्यांक है, क्या है, यांत्रिक तुल्यांक है, जिसका मान एक कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, जिसका मान लगभग लगभग, इस जे का मान लगभग लगभग कितना होता है, 4.2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, जूल बटे किलो कैलोरी होती है, जूल बटे किलो कैलोरी, ठीक है, जूल बटे किलो कैलोरी होती है इसका मान, ठीक है, आगे बात समझ में। तो यानी ये जो फार्मूला आया है, अगर इस पूरे फार्मूले में हम जे से भाग कर दें तो जो निकल के आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, किलो कैलोरी में, ठीक है। यानी जो ऊष्मा आ रही है, ऊष्मा को अगर हमें किलो कैलोरी में बदलना, ये तो जूल में आ रही है, ठीक, ये जूल में आ रही है, जूल को अगर हमें किलो कैलोरी में बदलना है तो किससे भाग करना होगा, जे से। और जे का मान कितना होता है, 4.2 × 10³, ठीक है, 4.2 × 10³, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर हम ये जो उत्पन्न ऊष्मा है बेटा, जो ये उत्पन्न ऊष्मा है ये किन किन चीजों पर डिपेंड हो रही है, ध्यान से देखो, एक तो विभवांतर, अगर हम विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो उत्पन्न ऊष्मा भी, यानी ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो ज्यादा ऊष्मा होगा, यानी सिंपल सी बात है, अगर हम बल्ब में ज्यादा वोल्टेज देंगे तो बल्ब हमारा और तेज जलेगा, और तेज गर्म होगा, यानी और ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा।
अगर उसमें हम धारा ज्यादा प्रवाहित करेंगे, धारा ज्यादा, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतनी ज्यादा बल गर्म होगी, यानी धारा के अनुक्रमानुपाती होता, टाइम समय के अनुक्रमानुपाती होता, जो बल्ब जितना ज्यादा देर जलेगा उस उतनी ज्यादा उसमें उत्पन्न होगी। ठीक है, दो बल्ब देखिए, एक एक मिनट जलाओ, एक पांच मिनट जलाओ, फिर दोनों को कंपेयर करो, दोनों को फिर कंपेयर करो, देखो कौन ज्यादा गर्म होगा। जो ज्यादा टाइम तक जलेगा वही ना ज्यादा गर्म होगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा उत्पन्न ऊष्मा है वो समय के जो है अनुक्रमानुपाती होता, वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता और साथ साथ धारा के, लेकिन जो आपका प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता। ठीक, अगर बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है तो उत्पन्न ऊष्मा कम होगी, प्रतिरोध कम है तो उत्पन्न ऊष्मा ज्यादा होगी। ठीक है, यानी जो W है वो इनवर्सली, क्योंकि R जो है वो आपका नीचे है, तो जो चीज नीचे होता बटे में उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब, इसका मान अगर हम कम करेंगे तभी इसका मान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई बेटा किसकी, विद्युत ऊर्जा की। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, विद्युत शक्ति क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। ठीक, तो देखिए किसी भी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड जो व्यय होने वाली ऊष्मा है, यानी कि एक सेकंड में किसी परिपथ में कितनी ऊष्मा व्यय हो रही है, वही उसकी क्या होती है, शक्ति होती है। ठीक, तो वही चीज यहां हम लिखेंगे कि प्रति सेकंड, प्रति सेकंड किसी परिपथ में, प्रति सेकंड किसी परिपथ में व्यय होने वाली ऊष्मा, ठीक है, या व्यय होने वाली जो ऊर्जा है उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति। प्रति सेकंड किसी परिपथ में व्यय होने वाली ऊष्मा या ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहेंगे, विद्युत शक्ति कहते हैं, अर्थात इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे जो है P अक्षर से, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अर्थात कहने का मतलब यह है P बराबर W अपान क्या होता है, T। P बराबर क्या होता है, W अपान T, यानी कि पावर। ठीक है, यानी कि पावर, यानी कहने का मतलब शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, W अपॉन T। तो अब W के अगर तीन फार्मूले बने थे तो पावर के भी तीन बनेंगे। P बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक तो W अपॉन T, अब W का मान रखें अगर हम, W बराबर क्या था, एक V I इंटू T था, अब बटे T करोगे तो कितना आ जाएगा, V इंटू I आ जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला W बराबर और क्या था, एक फार्मूला W बराबर आपका क्या था, I स्क्वायर आर T था, अब इसमें T से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्या था, वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी था। ठीक है, एक क्या था, एक डब्ल्यू बराबर क्या था, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी था, अब इसमें अगर टी से भाग करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पावर। पी बराबर क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो पावर के भी बेटा तीन फार्मूले, पी बराबर एक तो ये और तीन और, वी आई एक, आई स्क्वायर आर और एक वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये जो है हमारे शक्ति के फार्मूले आ गए, किसके फार्मूले आए बेटा, शक्ति यानी कि पावर। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है, या इसी को हम बोलेंगे जूल बटे सेकंड, जूल बटे सेकंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई, बोलो क्लियर है यहां तक, हाँ यहां तक बेटा सबका क्लियर है ना। चलिए अच्छा आगे बढ़े, अब फार्मूले सब क्लियर हो गए ना। चलिए अब इसी में अगर देखा जाए
तो ये तो हो गए आपके नॉर्मल मात्रक, लेकिन व्यवहारिक मात्रक इसके कुछ अलग होते हैं। यूनिट का नाम सुने होंगे, यूनिट का नाम आप लोगों ने सुना है ना, घर में जो आपके बिजली लगी हुई है, जब आपका बिजली का बिल आता है तो क्या आता है, आपने कितने यूनिट खर्च किए, 10 यूनिट 20 यूनिट। चार्ज क्या होता है, 8 रुपये यूनिट या 7.5 रुपये यूनिट या 5 रुपये यूनिट, वो डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन किस टाइप का है, ठीक है। नॉर्मल है तो कम है, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल है, ठीक है, जैसे लाज वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग हो गई, उन सब का अगर देखा जाए तो 7.5 रुपये है नगर निगम का, ठीक। और इंडस्ट्रियल है, औद्योगिक का कोई बहुत बड़ा कारखाना आप चला रहे हैं तो उसका चार्ज अलग है, ठीक है, पर यूनिट का चार्ज अलग है। तो यूनिट क्या होता है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक, व्यवहारिक जो मात्रक होते हैं उनको हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके थोड़ा सा हम क्या करें, ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक देखें। ऊर्जा के ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रा, ठीक है, क्या होता, किलोवाट घंटा, यही इसका जो है, सॉरी यूनिट, ठीक है, यूनिट इसका व्यवहारिक मात्रक होता है, या इसी को हम बोलते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा, इसी को, यही हमारा मेन मात्रक है, ठीक है। बाकी जो जूल है ये तो काफी छोटा मात्रक है, जो जूल है, ठीक है, ये ऊर्जा का काफी छोटा मात्रक है, जो बड़ा मात्रक है वो यूनिट या फिर किलोवाट, किलोवाट घंटा है। इस यूनिट को जो है हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है, इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोला जाता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ यानी कि BTU, ठीक है, इस यूनिट को क्या बोला जाता है, फुल फॉर्म इस यूनिट का क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट बोलते हैं। तो एक यूनिट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल सी बात है, देखो, एक किलोवाट घंटा या फिर एक यूनिट जो है ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक किलोवाट शक्ति में एक घंटे में व्यय होती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई परिपथ, ठीक है, किसी अगर परिपथ की हम बात करें, इस परिपथ की जो शक्ति है बेटा वो कितनी होनी चाहिए, एक किलोवाट, एक किलो वाट, और इसके अंदर ये जो शक्ति है, ऊर्जा का जो व्यय है वो कितनी देर तक होनी चाहिए, एक घंटा तक होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक घंटा तक होना चाहिए, ठीक है, एक घंटे तक होने चाहिए, ठीक। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई परिपथ है जिसकी शक्ति एक किलोवाट घंटा है, उसमें एक घंटे में व्यय होने वाली, एक घंटे में व्यय होने वाली जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, एक यूनिट बोलेंगे या फिर एक किलोवाट घंटा बोलेंगे। और इसका जो फार्मूला होगा, बस आप यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो इसका फार्मूला है वो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट बराबर होता है वाट और गुणे घंटा और बटे में 1000, बटे में 1000, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहीं दिन की बात की जाए, इतने दिन तक काम करा, तो दिन से इसी में और गुणा कर देना। लेकिन यदि दिन की बात हो, यदि दिन दिया हो, ठीक है, तो दिन अगर आपका दिया है तो यही फार्मूला हो जाएगा, वाट गुणे घंटा और गुणे दिन, कितने दिन चला है, और बटे 1000, बटे 1000, ठीक है, ये फार्मूला है। और एक और छोटा सा फार्मूला है, याद रखिएगा, जो आपका एक यूनिट है, यानी कि एक जो यूनिट है, एक जो आपका यूनिट है या एक किलोवाट, किलो वाट घंटा है, ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा कितना, 3.6×10^6 जूल, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये कितना बड़ा मात्रक होता है, आपने देखा कि एक किलो वाट घंटा या एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, 3.6×10^6 इतना जूल होता है, ठीक है, सिंपल से, आगे बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके क्या, ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक।
अब देखिए एक छोटा सा प्यारा सा जो है न्यूमेरिकल है जिसको सॉल्व करने से ये सारी चीजें आपके क्लियर हो सकती हैं। चलिए उसको देखते हैं। हाँ, अब न्यूमेरिकल की तरफ जरा ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम नाइक्रोम की एक प्रतिरोध कुंडली जोड़कर एक घंटे तक धारा प्रवाहित की जा रही है तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो उत्पन्न ऊष्मा की अगर हम बात करें, उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला अभी अभी हमने देखा, एच या डब्ल्यू, यही उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला होता है, हीट या जो ठीक है कार्य हो रहा है वही ठीक है डब्ल्यू, जितना कार्य होगा वही जो है ऊष्मा होगी। तो जो एच बराबर होगा, चलो फार्मूले में थोड़ा सा कर लो करेक्शन, नहीं तो बोलोगे सर ये क्या है, यही डब्ल्यू जो है इसी डब्ल्यू को हम लोग एच भी बोलते हैं, ठीक है क्लियर। चलिए अब देखिए कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। एक तो होता है आपका वी आई इंटू टी, एक होता है आपका आई स्क्वायर आर टी, और एक आपका होता है वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी बटे आर इंटू टी, ठीक है एक ये फार्मूला होता है ठीक। ठीक है, अब इसमें से हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ये चीज ध्यान देना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ये चीज ध्यान देना। तो सबसे पहले ये देखो इसमें दिया क्या है, दिया क्या है विभवांतर V बराबर 10 वोल्ट, प्रतिरोध R बराबर कितना दिया है 50 ओम, ठीक, और इसके साथ साथ और क्या चीज दिया है टाइम, T बराबर क्या दिया है, T बराबर आपका दिया है एक घंटा, तो घंटे को आप सेकंड में बदल लोगे क्योंकि सब एसआई यूनिट में है, ये आपका एसआई यूनिट में नहीं है, तो एक गुड़े 60 ये मिनट हो गया और गुड़े 60 करोगे अब ये सेकंड हो गया, ठीक है तो कितना हो गया 3600 सेकंड, कितना हो गया 3600 सेकंड, ठीक ये टाइम आ गया। अब अगर हर एक फार्मूले में देखें तो सभी में ठीक है आई है लेकिन इसमें आई नहीं है, तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है लास्ट वाला फार्मूला हम क्या करें अप्लाई कर लें, तो एच इक्वल टू वी स्क्वायर, वी का मान कितना है 10, तो 10 ये वाला अप्लाई कर ले रहे हैं ना, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, वी स्क्वायर की जगह 10, टी का मतलब 3600 सेकंड, आर का मान है कितना 50, ठीक है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 10 का वर्ग करोगे कितना आएगा 100 और गुड़े 360 और बटे नीचे आपका बचा 5, 5 एक के 5 20 पंचे 100, 5 एक के 5 और 20 पंचे 100 और 36 दुना आपका आ गया 72, कितना आ गया 72 और एक दो जीरो, एक जीरो यहाँ का एक जीरो यहाँ का, ठीक है ये चीज आ गया जितना आया यही इतना जूल, जो आया इतना जूल ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो अब इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से छोटे मोटे आएंगे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हो जाएगा बेटा बोलो हो जाएगा ना क्लियर है, अब तो कोई समस्या नहीं ना। दो फार्मूले मैंने एक आपको पढ़ा है, एक विद्युत ऊर्जा का और उसके साथ साथ विद्युत शक्ति का, ठीक है और जो विद्युत ऊर्जा है ठीक है उसी को जूल का नियम भी कहते हैं, जो ऊष्मीय प्रभाव है ठीक है उसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं जूल का नियम भी बोलते हैं, ठीक है तो जूल का नियम आया या ऊष्मीय प्रभाव आया लिखना आपको वही चीज है, क्लियर है ठीक है ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।